पट्टी बन गई है, लेकिन ध्यान रख कि पट्टी खुलनी नहीं चाहिए और गीली नहीं होनी चाहिए। मैं कुछ दवाई लिख के दूंगी, आप वो ले लीजिएगा, और अगर नहीं ली ना तो नाक पकड़ के पिलाऊंगी। मैं बहुत खतरनाक टाइप की डॉक्टर हूँ, हाँ, मुझे गुस्सा दिलाया ना तो मोटी वाली सुई लगा दूंगी। सुई मुझे नहीं डर लगता है। तो मुझे गुस्सा मत दिलाना, और मैं जैसा कहूँ वैसा करना। बाय द वे, मैं डॉली और संजय की बेटी हूँ, मीनू, पहचाना? मेरी बेटी भी मुझे ऐसे ही डांटती थी। उसका नाम आद्या, आद्या उसका नाम। मैं चुपचाप उसकी डांट खा लेता था। मैं हमेशा उसको कहता था कि उसे सिर्फ भाव खाना है, और मुझे उसकी डांट, जब वो डांटती थी ना, बिल्कुल तुम्हारी तरह मुस्कुराती थी, और उसे देख के जब मैं हंसता था तो वो और नाराज होती थी मुझसे। मुझसे कहती थी कि मैं अपने अपने कान पकड़ के उठक बैठक करूं। आदिया आपसे उठक बैठक करवाती थी? हाँ, सोचो कोई अपने अपने पिता से ऐसे उठक बैठक। लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनती। मैं उठक बैठक करके भी उसे बहुत बुलाया, लेकिन वो नहीं आ रही। इतनी दूर चली गई मुझसे गुस्सा होकर कि उसे मेरी उठक बैठक नहीं दिख रही उसे। पता है अंकल, मैं भी ना अपने मम्मी पापा से रूठ के चली गई थी कहीं, पर फिर यूटर्न लेकर वापस आ गई। हाँ, दुनिया है ही इतनी बुरी कि बच्चे मम्मी पापा के बिना नहीं रह सकते। आई एम श्योर आद्या को भी ये बात समझ आ रही होगी, और मेरी तरफ वो भी वापस आ जाएगी। वो वापस आ जाएगी ना, पक्का? सच बोल रही हो ना? सच में, बिल्कुल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, 100% आएगी। लेकिन वो ना वापस आके फिर से भाग जाएगी। हाँ? क्यों भाग जाएगी वो, क्यों? अरे आपने अपनी शक्ल देखी है? ऐसे रोतलू बन के घूमेंगे तो उसे अच्छा लगेगा क्या? कोई भी बेटी अपने पापा को ऐसी हालत में देखना चाहेगी? बताइए। नहीं, मैं नहीं रोऊंगा। एक बार वो वापस आ जाए, मैं कभी नहीं रोऊंगा। एक बार बस वो वापस आ जाए। हाँ, मीनू बिल्कुल ठीक कह रही है। आपको आद्या के आने के पहले एकदम चकाचक तैयार होना पड़ेगा ना? बेटा, चलो। चलिए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।